take your seat. Now I request Neetu ma'am, please come on the stage, and Huzura ma'am, please come on the stage to facilitate our Neetu ma'am. Ek baar zordaar taali Neetu ma'am ke liye. Now I request our chief guest Dr. Faruqi sir to come on the stage for give a speech for our student to motivate us. Ek baar zordaar taali our chief guest ke liye. सभी सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित अपने डॉक्टर आर के दुबे सर को मेरी तरफ से इस नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में और मैडम को भी साथ में मैं जो भी हमारे नर्सिंग के बच्चे हैं मैं उनको तहे दिल से आज के दिन के लिए उनको शुभकामना भी देता हूँ और अपने तरफ से बधाई भी सभी को है। नर्सिंग दिवस एक बहुत ही हमारे मेडिकल प्रोफेशन में मतलब जो मेडिकल की जो रीढ़ है जो बैकबोन है वो हमारी नर्सिंग स्टाफ है। आज दुनिया में कोई भी डॉक्टर मदर टेरेसा का स्थान नहीं ले पाया लेकिन हमारी नर्सों ने लिया। तो ये सिद्ध होता है कि हमारी जो नर्सें हैं वही बेसिकली हमारी जो भी चिकित्सीय साइंस हमारी आगे बढ़ रही है, मरीजों को जो हम सेवाएं दे रहे हैं उनके बिना कुछ संभव ही नहीं है। और आज पूरी दुनिया मदर टेरेसा को एक देवी के रूप में एक माँ के समान पूजा करता है, उनकी वो करता है, वंदना करता है। और मेरा ये उनका जिक्र करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अपने जीवन में उनका अनुसरण शत प्रतिशत करना है। इससे बेहतर डॉक्टर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मैं बार बार बच्चे आते हैं, नर्सिंग के बच्चे आते हैं हमारे पास में, आरके इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग होती है, कंबाइंड हॉस्पिटल चार दिन में ट्रेनिंग होती है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं लगा के पढ़ते हैं, खास करके लड़कियां तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही तन्मयता के साथ सीख रही हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा। डॉक्टर कितने भी अच्छे हों, बहुत बढ़िया डायग्नोसिस बना लें, बड़ी अच्छी दवाइयां लिख दें, अगर नर्सिंग स्टाफ तन्मय नहीं है, अगर उसको अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो कोई इलाज संभव नहीं है। तो मेरे ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नर्सें हैं वही हमारी रीढ़ है और उन्हीं के जरिए हम जो है मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाते हैं। जो हमारा मरीज मरणासन्न की स्थिति में आता है और हंसते हुए घर जाता है उसका सर्वथा जो श्रेय होता है वो हमारी नर्सों को होता है। तो डॉक्टर चंद मिनट की जो उसके पास में अनुभव होता है, जो उसने
हासिल किया अपनी पढ़ाई के दौरान चंद मिनट समय देकर के मरीज को डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट नहीं देता। अब कौन सी दवाइयाँ आईएम चल रही है, कौन सी आईवी चल रही है और कौन सी एटावर्ली चल रही है, कौन सी जो है टोटावर्ली चल रही है, ये डॉक्टर ना डॉक्टर के पास समय है ना ये डॉक्टर कर सकता है, ये हमारी नर्सिंग स्टाफ ही कर सकती है। और मरीजों मैं इलाज से ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक मैं बहुत गहनता से अपनी नर्सों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर दवाई लेके जाता है, जो आप दवाइयाँ देती हैं, जो मरीजों पर काम करती हैं दवाइयाँ, आप यकीन मानिए उस मरीज़ के लिए आपकी एक छोटी सी हल्की मुस्कान वो उस दवा से 10 गुना ज़्यादा काम करती है। तो आप अपने मरीज के पास जब भी जाएं, उसको ये एहसास हो कि ये जो नर्स हैं हमसे ज़्यादा ये किसी को नहीं मानती हैं, और ये हर मरीज को ये परिलक्षित होना चाहिए, हर मरीज ये अपने अंदर अनुभव करे कि ये नर्स सबसे ज़्यादा हमको मानती है। और ये समझिए कि वो अगर 3 दिन के लिए एडमिट है तो वो दो दिन नहीं ठीक होकर चला जाए, और आपकी ये गुणवत्ता पर जो सर्विस होगी, जो आप सेवाएं देंगी, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा और आपके नाम को बड़े सम्मान से याद रखेगा। जब मिलेंगी बड़े ही सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार भी करेगा। तो आपका जो प्रोफेशन है बहुत ही महान है। आप मदर टेरेसा जी के नक्शे कदम चलें। मेरा यही सुझाव है कि आप अपने जीवन में मदर टेरेसा को अपनाएं, उनको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। और मेरी तरफ से पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई। ट्वेल्थ में नर्सिंग डे आज है और ये किसके उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, वी ऑल नोज अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि ट्वेल्थ में इट्स अ नर्सेस